लेकिन बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे, FATF ने ईरान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इकदाम का आलमी सतह पर एतराफ किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला भारत के अरमानों पर ओस पड़ गई। आपको बताते चलें कि FATF ने ईरान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इकदामात का आलमी सतह पर एतराफ किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ईरान को बड़ा धचका, FATF ने ईरान को ग्रे लिस्ट से ब्लैकलिस्ट कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के इकदाम का आलमी सतह पर एतराफ। पाकिस्तान के सर पर लटकी ब्लैकलिस्ट की तलवार हट गई। FATF का पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पेरिस में 16 फरवरी से जारी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान ने पाकिस्तान के अब तक उठाए गए इकदाम को सराहा। भारत के अरमानों पर ओस पड़ गई। दोस्त ममालिक चीन, तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी वफ ने बाकी नुकात पर अमल दरामद में तेजी लाने की यकीन दहानी कराई है। FATF पाकिस्तान के इकदाम का जून में दोबारा जायजा लेगा। लेकिन बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे, FATF ने ईरान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इकदाम का आलमी सतह पर एतराफ किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला भारत के अरमानों पर ओस पड़ गई। आपको बताते चलें कि FATF ने ईरान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इकदाम का आलमी सतह पर एतराफ किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ईरान को बड़ा धचका, FATF ने ईरान को ग्रे लिस्ट से ब्लैकलिस्ट कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के इकदाम का आलमी सतह पर एतराफ। पाकिस्तान के सर पर लटकी ब्लैकलिस्ट की तलवार हट गई। FATF का पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पेरिस में 16 फरवरी से जारी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान ने पाकिस्तान के अब तक उठाए गए इकदाम को सराहा। भारत के अरमानों पर ओस पड़ गई। दोस्त ममालिक चीन, तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी वफ ने बाकी नुकात पर अमल दरामद में तेजी लाने की यकीन दहानी कराई है। FATF पाकिस्तान के इकदाम का जून में दोबारा जायजा लेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।